अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग YouTube चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, सीन से सिंध आता है और सीन से ही सिंघम भी आता है। सिंध पुलिस आजकल सिंघम क्यों बनी हुई है? पहले तो आपको ये समझना होगा कि सिंघम किस बला का नाम है। ये पड़ोसी मुल्क की मूवी है जिसमें पुलिस के मसाइल, उनके इख्तियारात और फिर हैप्पी एंडिंग में पुलिस की हर जगह फतेह दिखाई है। इसी मूवी में एक जगह जब एक वजीर सिंघम को किसी मामले से दूर रहने का हुक्म देता है तो सिंघम अपनी वर्दी और बेल्ट उतारकर वजीर के हाथ में पकड़ा देता है, फिर पैंट और बनियान में रोड पर निकल जाता है। इसके बाद पूरे शहर की पुलिस काम छोड़कर यही करने लग जाती है और सिंध पुलिस ने भी ऐसा ही किया है। जी हाँ, कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमे के मामले पर अचानक ही सिंध पुलिस की गैरत जाग गई और आईजी से लेकर हेड मुहर्रर तक सब छुट्टियों की दरख्वास्तें जमा कराने लग गए। मगर फिर अचानक एक फ़ोन चलाया गया जिसके बाद सब के ताज़िए ठंडे हो गए और सब पुरानी तनख्वाहों पर ही काम करने के लिए तैयार हो गए। सिंध पुलिस ने चूँकि सिंघम बनने की कोशिश की है, इसलिए अब हम सिंध पुलिस को सिंघम पुलिस भी कह सकते हैं। मुल्क को करप्शन के दलदल में धकेलने वाले किस मुंह से हिसाब मांग रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, ये असद उमर साहब कह रहे हैं। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नापैद है। गरीब के लिए तो नामुमकिन ही है कि उसे इंसाफ मिल सके। इसीलिए जब किसी गरीब को तसल्ली कराई जाती है कि उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा तो वो इंसाफ पर हंसता ज़रूर है। मरहूम सुल्तान राय जब भी अपनी फिल्मों में इंसाफ और कानून के खिलाफ बगावतें अलम बुलंद करता था तो गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले फिल्म बीनों का जोश जज्बा देखने लायक होता था। सीटियां, तालियां और भड़कें मारी जाती थी जिससे पूरा सिनेमा हॉल गूंज उठता था। हमें याद है कि एक फिल्म में सुल्तान राय सवाल उठाता है कि अदालतें शाम और रात को क्यों इंसाफ फराहम नहीं करती। आज भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सवाल पर संजीदगी से गौर करें तो इल्तवा का शिकार लाखों मुकदमे खुश इसलूबी से अपने अंजाम को पहुंच सकते हैं। अदालतों में 3 शिफ्टें लगाई जाएं और धड़ाधड़ मुकदमे निपटाए जाएं। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतवार के रोज़ अदालत लगा सकते हैं तो शाम और रात की अदालतें भी लगाना ऐसा नामुमकिन नहीं है। हमारी तजवीज़ है कि अगर अदालतें 3 शिफ्टों में काम करना शुरू कर दें तो रातों रात इस मुआशरे की जो किस्मत बदल सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि कोई भी मुआशरा कुफ्र के साथ तो बरकरार रह सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। हमारे प्यारे दोस्त का कहना है कि अगर एक अदालत के मुजरिम दूसरी अदालत में मोहतरम करार पा रहे हैं तो समझ लें कि हमारा जो है अदालती निज़ाम है वो कितना शफाफ और कितना इंसाफ पर मबनी है। यहाँ तो ये हालत है कि अजीज़ बलोच केस का कुछ पता ही नहीं, आबिद बॉक्सर पर कई केसेस हैं वो आज़ाद घूम रहा है, अरबों रुपयों की करप्शन में मुलविस डॉक्टर आसिम के कई केसों का कोई अब तक फैसला नहीं हो सका, शर्जील मेमन केस का रिजल्ट भी सिफर, रेमंड डेविस को भला कौन भूल सकता है। बलूचिस्तान असेंबली के एक रुकन ने ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार को गाड़ी तले रौंद दिया, वीडियो भी है, फिर भी वो बाज़त बरी हो गया। मॉडल अयान अली डॉलरों समेत स्मगलिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, तफ्तीश करने वाला अफसर जो है कत्ल हो गया। मोहतरमा पिछले 2 साल से किसी पेशी पर अदालत ही नहीं आई, जमानत पर रिहा हैं। लेकिन कराची वाले सानिया 12 मई को आज तक न भुला सके जिसमें 50 से ज्यादा मासूम जाने कत्ल हो गई, लेकिन बरसों बाद भी ये मुकदमा तवज्जो का तालिब है। इसाक डार रिजल्ट सिफर, न्यू बेनजी एयरपोर्ट करप्शन केस रिजल्ट सिफर, रईसानी हराम कमाई घर से बरामद रिजल्ट सिफर, MQM गद्दारी केस सबूत मौजूद हैं रिजल्ट सिफर, असगर खान केस रिजल्ट सिफर, शहद की बोतल रिजल्ट सिफर, लाहौर का सानिया मॉडल टाउन रिजल्ट सिफर, शाहरुख जतोई केस रिजल्ट सिफर, राव अनवर नाहक कातले आम सबूत मौजूद रिजल्ट सिफर। हमारे प्यारे दोस्त का कहना है कि इस मुल्क में ऐसा कानून है जिसमें बड़े फंसते नहीं और छोटे बचते नहीं। दुनिया भर के सियासतदान तो लंबी लंबी तकरीरों से बोर करते हैं लेकिन हमारे सियासतदान यही काम छोटी छोटी तकरीरों से भी कर लेते हैं, और तकरीरें भी ऐसी कि इस बार गुजरांवाला में अपने फेवरेट लीडर की ऐसी तकरीर सुनी जो किसी न्यूज़ चैनल ने दिखाने की हिम्मत ही नहीं की। सोशल मीडिया पर तकरीर बगौर सुनने के बाद भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि हमें तकरीर समझ ना आई थी। जब इस तकरीर के चर्चे सोशल मीडिया पर सुने तो हिम्मत करके फिर वही तकरीर सुनी तो फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि इस बार तकरीर कुछ समझ आ गई थी। अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।